चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को लेकर आज शाम तक कोई नई और बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी LRO आज लैंडर विक्रम के खोज के मिशन पर है। ये चांद के उस हिस्से के ऊपर से गुजरेगा जहां पर विक्रम पड़ा हुआ है। विक्रम चांद की सतह पर अपने उतरने वाली तय जगह से करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़ा है। अब वो किस हालात में है और उसे कितना नुकसान हुआ है, क्या वो फिर से काम करने वाली स्थिति में है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आज विक्रम की तस्वीरें लेने की कोशिश करेगी। उसका ऑर्बिटर चांद पर भारत के विक्रम लैंडर के ऊपर से गुजरेगा, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ऑर्बिटर की ऊंचाई 100 किलोमीटर से घटाकर 90 किलोमीटर कर दी गई है, यानी LRO करीब से तस्वीरें लेने की कोशिश करेगा। अमेरिका का लूनर क्राफ्ट 2009 से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है और आज अगले कुछ घंटों में लैंडर की साइट के ऊपर से गुजरने वाला है। अमेरिका के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी LRO से ली गई तस्वीरों से इसरो को चंद्रयान 2 के लैंडर की वास्तविक स्थिति को जानने में मदद मिलेगी। इसके हिसाब से ही अगले कुछ घंटों में लैंडर से संपर्क करने की कोशिशें की जाएंगी। नासा का लूनर क्राफ्ट यदि आज के अपने इस मिशन में कामयाब हो गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नासा के ऑर्बिटर में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने पिछले दिनों अपोलो 11 की लैंडिंग साइट की तस्वीरें भेजी थी। चांद की तस्वीरें बेहद खास थी और बेहद स्पष्ट थी और चांद पर मनुष्य की लैंडिंग के फुटप्रिंट्स तक इसमें दिखाए गए। हाल ही में हालांकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में जो कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं वो 32 सेंटीमीटर तक की HD तस्वीरें ले सकते हैं, जो अब तक चांद पर भेजे गए किसी भी ऑर्बिटर से एडवांस्ड हैं। यानी ये चांद पर बेहद शानदार तस्वीरें ले सकता है। नासा के मुकाबले भारत का ऑर्बिटर कई मामलों में बेहतर है, लेकिन वो लैंडिंग साइट के ठीक ऊपर से फिलहाल नहीं गुजर रहा। नासा के ऑर्बिटर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो ने कहा कि नासा के ऑर्बिटर का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, लिहाजा ऑर्बिटर की तस्वीरें इसरो के लिए बेहद खास हो सकती हैं। हालांकि विक्रम लैंडर की तस्वीरें तो लेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तस्वीरें स्पष्ट होंगी, क्योंकि शाम को सूरज की रोशनी कम होती है और ऐसे में चांद की सतह पर मौजूद किसी भी वस्तु की तस्वीरें लेना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क के लिए अब केवल 4 दिन बचे हैं। लैंडर को चंद्रमा के एक दिन यानी धरती के 14 दिन तक के लिए ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसे में देश भर के लोग किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। अगर इन 4 दिनों में सफलता नहीं मिलती है तो 20 या 21 सितंबर को चंद्रमा पर रात हो जाएगी और इसी के साथ विक्रम लैंडर से संपर्क की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। सोमवार से ही चांद पर शाम का वक्त शुरू हो चुका है। विक्रम जिस वक्त चांद पर गिरा उस वक्त वहां सुबह हुई थी। चांद का पूरा दिन यानी सूरज की रोशनी वाला पूरा समय धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन दिनों में चांद के उस इलाके में सूरज की रोशनी रहती है। 14 दिन काम करने का मिशन लेकर गए विक्रम और उसके रोवर प्रज्ञान के मिशन का पूरा वक्त हो जाएगा। इस अवधि के बाद सौर पैनलों के सहारे चलने वाले विक्रम के लिए ये वक्त बेहद सर्द हो जाएगा। विक्रम लैंडर की लोकेशन का इसरो ने पहले ही पता लगा लिया था और उससे संपर्क साधने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। हालांकि अब तक इसरो ने विक्रम लैंडर की कोई तस्वीरें जारी नहीं की है। टीम इसरो विक्रम लैंडर से संपर्क की कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके उपकरण अब काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इस अभियान पर वक्त खराब करने के बजाय अगले मिशन पर फोकस करना चाहिए।